हेलो फ्रेंड्स लोग, गुड मॉर्निंग। आज और एक बार पोको M3 पे तुम्हारे लिए आ गए हैं। सो पोको M3 फ़ोन में 6 महीने के बाद अभी भी क्या अल्ट्रा सेटिंग पे गेम चलेगा, देख सकते हो। इधर मैं तुमको दिखाऊंगा फुल अल्ट्रा सेटिंग, फुल मैक्स सेटिंग, फ्री फायर मैक्स पे फुल मैक्स पे सेटिंग है, ठीक है। सो इस सेटिंग पे हम स्क्रीन रिकॉर्ड करके एक गेम खेलेंगे, तुम्हारे सामने दिखाएंगे, ठीक है। स्क्रीन रिकॉर्ड करके गेम खेलेंगे, तुमको दिखाएंगे, हाँ, ठीक है। सो फ्रेंड्स लोग, देख सकते हो पोको M3 में तो वॉइस सेंसर है, बहुत लोगों को पता है, बहुत लोगों को पता नहीं है। सो और एक बार देख सकते हो, उधर टच करोगे तो तुम्हारा वॉइस चेंज हो जाएगा। देख सकते हो इधर तुम बहुत सारा वॉइस चेंज कर सकते हो। एक लौता फ़ोन है अंडर 10,000, हाँ 10,000 के अंदर एक लौता फ़ोन है जिस फ़ोन में तुम वॉइस चेंज करके गेम्स खेल सकते हो। देख सकते हो इधर मैंने स्क्रीन रिकॉर्ड ऑन कर दिया, सो गेम प्ले चालू कर दिया। अभी हम स्क्रीन रिकॉर्ड पे जाते हैं, ठीक है। गेम प्ले स्टार्ट होने के बाद हम स्क्रीन रिकॉर्ड पे जाएंगे, तुम लोग नोटिस करना, ठीक है, नोटिस करना और कमेंट भी करना। फोन क्या थोड़ा लैग मरा या लैग नहीं मरा, मैं बोलूँगा हाँ थोड़ा, दो एक जगह पे फ्रेम ड्रॉप हुआ, थोड़ा एक जगह पे लैग मैंने नोटिस किया गेम खेलने के टाइम, थोड़ा नोटिस किया। सो गेम प्ले तो 5 मिनट का ही गेम प्ले, सो और ज़्यादा नहीं है, 3 मिनट ही है। तो गेम प्ले तुम लोग पहले से आखिरी तक देखो। अगर ये कंटेंट, ये वीडियो तुम लोगों को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है। बहुत लोग पोको M3 में बहुत लोग कमेंट करते हैं, मेरे चैनल पे सबसे ज़्यादा वीडियो पोको M3 का ही है, क्योंकि मेरा पर्सनली बहुत पसंद है ये फोन। तुम्हारा तुम लोगों के लैब देखा क्या अभी गेम खेलने का टाइम, देखा है तो कमेंट जरूर करना, ठीक है। और हाँ, एक ऐसा लैपटॉप फोन है जिसका प्राइस अंडर 10,000 के, हाँ 10,000 के अंडर प्राइस है। अगर बैंक ऑफर लगा के तुम यूज़ करोगे तो 10,000 के अंदर तुमको मिल जाएगा, 9,500 के अंदर तुमको मिल जाएगा। 9,500 के अंदर तुमको क्या क्या मिलता है देख लो। 6,000 का बैटरी है, उसके बाद डुअल स्पीकर है, वॉइस चेंज करके गेम खेल सकते हो। इसमें ब्रांड का 662 का प्रोसेसर है, जो अभी 5G प्रोसेसर लेके आ रहे लोग 6,000 में, 12,000 में, 30,000 में सेम प्रोसेसर लेके आ रहे हैं। वो लोग को 5G प्रोसेसर है या 4G प्रोसेसर है, सो यही डिफरेंस है। मैं यही बोलना चाहता हूँ, अगर बहुत लोग है अभी भी मेरे को कमेंट करते हो मेरे को, भाई अभी क्या पोको M3 में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, भाई पोको M3 में, पोको M3 तो फ्लिपकार्ट में स्टोर में नहीं है, बहुत ज़्यादा प्राइस बोल रहे हैं। मैं यही बोलना चाहता हूँ भाई, अभी पोको M3 थोड़ा पुरानी हो गए। अगर तुम वॉइस चेंज करके गेम खेलना चाहते हो तो तुम पोको में रह लो या रेडमी में रह लो। सो रेडमी के अलावा तुम पोको में रह लो, पोको M4 प्रो जो अभी हाल ही में लॉन्च हुआ है सुपर एमोलेड डिस्प्ले के साथ 40,000 के अंदर, तुमको उससे ज़्यादा अच्छा वाला फ़ोन तुमको कहीं नहीं मिलेगा। सो तुम वो ले सकते हो अगर तुम चाहते हो, जितना ही नहीं मेरा थोड़ा बहुत प्रोसेसर अच्छा होगा, फ़ोन देखने का अच्छा होगा तो मैं उसमें जाऊँगा, सब कुछ करूँगा, तो तुम रियलमी C35 में जा सकते हो। तुम्हारा माने तुम किस में जा सकते हो, मैं तुमको सिर्फ यही बोला। और हाल ही में मैंने कल एक और एक वीडियो अपलोड किया था, वो है रियलमी का जो अभी जो स्पीड एडिशन आया, रियलमी का 9 5G स्पीड एडिशन जो आया, स्नैपड्रैगन का 778G का फ़ोन वो जो आया था, मैंने उसका वीडियो कल ही छोड़ा था। मेरा आज वीडियो छोड़ना था रियलमी GT मास्टर वर्सेस रियलमी 9 5G स्पीड एडिशन का, लेकिन आज मैंने ये वीडियो नहीं डाल पाया प्रॉब्लम की वजह से, इसलिए ये वीडियो में फ्रेंड में नेक्स्ट वीडियो जो मेरा आने वाला है वही रहेगा, रियलमी GT मास्टर वर्सेस रियलमी 9 स्पीड एडिशन, दोनों का रिच में रहेगा, दोनों का ही सेम प्रोसेसर है, लेकिन दोनों फ़ोन का फर्स्ट कॉन्सेप्ट फोन है, ये तुमको दिखाने वाले हैं। तो फ्रेंड्स लोग, और एक बात, वीडियो अगर अच्छा लगे तो चैनल को जरूर लाइक करना, वीडियो को जरूर लाइक करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। तुम्हारा भाई बहुत मेहनत करके वीडियो बनाते हैं, तो भाई का हेल्प जरूर कर देना। और चैनल पे नए हो तो थैंक यू, एंड सिस के फैमिली मेरा कमेंट करने के लिए सबसे थैंक यू, तुम लोग बहुत कम टाइम में मेरा बहुत हेल्प किया, इसलिए सभी को दिल से थैंक यू एंड लव यू ऑल। अच्छे से रहो, ध्यान से रहो, तो गेम प्ले में कहीं भी लैग हुआ क्या कमेंट जरूर करना, ठीक है।